आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। बता दें, माँ ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों की महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली शक्ति को हम बार बार नमन करते हैं। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। बता दें, नवरात्रि के दूसरे दिन पूजित ब्रह्मचारिणी आंतरिक जागरण का प्रतिनिधित्व करती हैं। माता ब्रह्मचारिणी को तप की देवी माना जाता है। हजारों वर्षों से कठिन तपस्या करने के बाद माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा था। तपस्या की इस अवधि में उन्होंने कई सालों तक निराहार व्रत किया था, जिससे देवों के देव महादेव प्रसन्न हुए थे। शिव जी ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया था। माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा शास्त्रीय विधि से की जाती है। सुबह शुभ मुहूर्त में माँ दुर्गा की उपासना करें और माँ की पूजा में पीले या सफेद रंग के वस्त्र का उपयोग करें।